Good morning, students. Welcome to online class, Bruhat Mumbai Online Education, Standard 5th, Subject Hindi, Poem, Jeevan. Introduction myself. I am from Bruhat Mumbai Mahanagar Palika, Shikshan Vibhag, FS. My school is Sivri Cross Road, MPS. My name is Kusum Acharya. Our administrative officer, Mr. Kailas Arya. Our nodal beat officer, Mr. Sarat Purhade. Our nodal HM, Mr. Mary Puspam Paul. Our assistant nodal HM, Mrs. Manpreet Kaur Anand. And our CNO, Mr. Ratilal Kishan Gurungale. So students, आपको मालूम है कि हमारे जो दिन की शुरुआत है, हमारे दिन की शुरुआत हमें अच्छी विचार से करनी चाहिए. अच्छे विचार हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मायने रखते हैं. तो आज हम यहाँ पे एक अच्छा सा सुविचार देखने वाले हैं. सफलता का मिलना तो तय है, देखना ये है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार है. सफलता यानी सक्सेस तो हमारा मिलना जरूरी है. सफलता हमें मिलना तो तय है यानी निश्चित है, बल्कि देखना है कि आप उसकी कितनी कीमत यानी पैसा नहीं, यहाँ पे कीमत यानी समय दिया गया है. समय के बारे में कहा गया है कि आप कितना समय चुकाने के तैयार, यानी हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास हमेशा हमारे पास होता है. तो महसूस करने के लिए सिर्फ हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है और अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि हाँ अगर कोई चमत्कार हो जाएगा और मेरा काम अच्छे से सफल हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है. बल्कि हमें आत्मविश्वास से वही काम अच्छे प्रयास से, अच्छे प्रयत्न से करना है. अगर हम वही काम अच्छे प्रयत्न से करेंगे तो हमें जरूरी उस काम में सफलता मिलती है. तो वो सफलता हमारे लिए चमत्कारी होता है. यानी कोई भी काम के लिए जीवन में चमत्कार होने का हमें इंतजार नहीं करना है, बल्कि प्रयास करना है और खुद को एक चमत्कार बनने में साबित करना है. आपको मालूम है कि कोई भी काम में सफलता मिलने में टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि जो काम मुझे आता है वो आपको आएगा, जो दूसरे को आता है मुझे आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन हमें अगर कोई भी काम में हमें वीक है, हमें वहां पे कुछ रुकावट आ रही है, तो वही काम हमें बार बार करने से, उस पर बार बार प्रयत्न करने से हमें उसमें जरूरी सफलता मिलती है. बस उसके लिए सिर्फ हमें हमारा मकसद निश्चित करना है और हमें उसके लिए समय देना है. आज हम पांचवी कक्षा हिंदी का दूसरी इकाई पद्य 2 जीवन पढ़ने वाले हैं. इस कविता का नाम है जीवन और इस कविता के कवि है डॉक्टर कुलभूषण लाल मक्खीजा. डॉक्टर कुलभूषण लाल मक्खीजा इस कविता के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं. वो इस कविता द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि हम इस कविता द्वारा जानेंगे. डॉक्टर कुलभूषण लाल मक्खीजा हमें कह रहे हैं कि कभी आराम मत करना, निरंतर चलते रहना ही जीवन है. विभिन्न उदाहरणों द्वारा उन्होंने हमें जीवन चलने का जो नाम है वो हमें जीवन चलने का नाम है यह बात हमें समझाने की कोशिश की है. इस कविता का आशय है कि जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए. यानी जीवन का महत्व, तो जीवन का महत्व क्या है? अनमोल, मेहनत, परिश्रम, गुण, उच्च विचार. ये हमारे जीवन में ये जो वस्तु है ये बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही जरूरी है. कि हमारा जीवन है बहुत ही अनमोल है और उस जीवन को अनमोल बनाने के लिए हमें मेहनत, परिश्रम करना है और अच्छे गुण, जिसे हम कहते हैं अच्छे संस्कार,
अच्छे गुण और उच्च विचार यानी अच्छे विचार, जो विचार हमारे जीवन को जीने में अच्छा सा बनाता है, यानी जो हमारा जीवन बिना रुकावटें चले, और वैसे अच्छे विचार उच्च विचार हमारे जीवन में अपनाना जरूरी है। यानी पवित्रता का आशय है कि जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म यानी अच्छे काम। यस अभ्यास की परवाह किए बिना जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो इंसान दृढ़ता पूर्वक निर्णय लेता है यानी वो संकल्प लेता है, तो वो अपनी मंजिल पाकर ही रुकता है, और उसे उस व्यक्ति को नाम पद यश कीर्ति सुख आदि से उसका जीवन में उसकी झोली आबाद रहती है। यानी जब कोई हम संकल्प लेते हैं, हम कोई ठान लेते हैं कि मुझे करना है, मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए हमारे मन में एक स्फूर्ति सी आ जाती है, और उस काम के लिए हम इतना प्रेरित हो जाते, इतना मग्न हो जाते कि उस काम को हम जब तक हासिल न कर ले यानी परीक्षा में अच्छे गुण प्राप्त न कर ले, तब तक हम रुकते नहीं है। हम दिन रात मेहनत करते, पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई का जो दिन रात आपने जो मेहनत की, परिश्रम किए, उसका परिणाम अच्छे गुण मिलते हैं, हमें अच्छे गुण प्राप्त होते हैं, और अच्छे गुण प्राप्त होना यानी वही हमारी सफलता है। इस कविता का परिचय जीवन था बेटा। बहुत आवाज आ बैकग्राउंड से। हाँ बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बेटा। अच्छा ओके बेटा, कविता, हाँ इस कविता का परिचय हम जानेंगे। जीवन केवल सांस लेने का काम नहीं है, जीवन चलने और आगे बढ़ने का काम है। यानी ऐसा नहीं है कि जीवन है चलो जी लो, जैसा वैसा जी लो, और वही कुछ हुआ तो ठीक है, सफल हुए तो भी ठीक है, सफल नहीं हुए तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हम सफल नहीं होते तो क्यों नहीं होते, वहां पे कौन सी रुकावट आ रही है, वो हमें ध्यान रख के उस रुकावट को दूर करना है, और उस रुकावट को हम दूर करेंगे तभी हम जीवन में आगे चल पाएंगे, आगे आगे बढ़ पाएंगे। यस यानी जीवन चलने और आगे बढ़ने का ही काम है। जीवन में दुख सुख आते रहते, तकलीफें आती रहती, रुकावटें आती रहती, कोई भी काम में हमें एक बार में ही सफलता नहीं मिलती है, हमें कई बार यश मिलता है, कई बार अपयश मिलता है। तो वहां पे, जब वहां पे अपयश मिलता है, वहीं पे रुकना नहीं है, हमें वहां यश मिले वैसी कोशिश करनी है, सफलता मिले वैसे प्रयत्न करना है, और जीवन में आगे बढ़ते रहना। हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए, यानी हमें अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे गुण अपनाने चाहिए, और अच्छे गुण तब आते हैं जब हमारे विचार ऊंचे हो, यानी उच्च विचार हो, हमारे विचार अच्छे हो। जब भी हमारे विचार अच्छे होते हैं तभी हमारे हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं, यानी हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए, हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए। विश्राम। हमारी बोली मीठी होनी चाहिए, यह कविता हमें यही संदेश देती है। इस कविता का संदेश यही है कि हमारी बोली, हमारी जो वाणी है, बोली यानी वाणी, हम जो बोलते हैं, वो हमारी बोली हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। अगर किसी का सुख दुख कोई हमारे सामने बांटता है, कोई प्रॉब्लम है उसे, तो वहां पे हमें अच्छी वाणी से, अच्छी बोली से उन्हें हमें वहां सांत्वना देनी है, और अच्छी बोली से हमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। अभी हम कविता का सरल अर्थ और भावार्थ देखेंगे। पहले मैं कविता पढ़कर सुनाती हूँ, तो आप सबको सुनना है। पद्य दो जीवन। जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा मिट ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम,
लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता परिणाम। माँ जैसी हो मिट्टी बोली, मन में सच्ची उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। हेलो बच्चों, भी इस कविता का जो भावार्थ है वो कविता का भावार्थ हम कविता के पंक्तियों के द्वारा जानेंगे और इस कविता में दिए गए शब्द का अर्थ भी जानेंगे। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, यानी जो हमारा जीवन है जीवन चलने का नाम है, यानी हमें कहीं भी चाहे कितने भी रुकावट आ जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन वहां पे हमें रुकना नहीं है, हमें करना कभी नहीं विश्राम। यानी जीवन में कोई रुकावट आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो वहां पे हमें विश्राम, विश्राम यानी आराम, वहां पे हमें आराम नहीं करना है। विश्राम यानी आराम, तो वहां पे हमें आराम नहीं करना है, हमें क्या करना है, चलते रहना है। और जीवन यानी जिंदगी, हमारी जो जिंदगी है वो जिंदगी सुख और दुख का मेला है, तकलीफ आती जाती रहती है, तो वहां पे चाहे कितनी तकलीफ आए, कितनी रुकावटें आए, लेकिन वहां पे हमें तकलीफ आने से, रुकावट आने से वहां पे हमें आराम नहीं करना है। अरे जाने दो, ऐसा बुरा समय निकल जाएगा, बाद में हम देखेंगे, बाद में कुछ कर पाएंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना है, बल्कि हमें वहां पे रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। देखो आप यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हो कि जो बच्चे हैं वो बच्चे 5 साल पढ़ने जा रहे हैं, राइट? यानी ये जो बच्चे हैं, चाहे बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, लेकिन वो 5 साल नियमित जाते हैं। कई बार क्या होते हैं, कुछ ज्यादा बारिश हो गई तो कई बच्चे बोलते हैं अरे आज बारिश ज्यादा है, थोड़ी सी बारिश आया जाए तो भी उन्हें ज्यादा लगता है, और बच्चे 5 साल नहीं जाते। तो वहां पे वैसा नहीं करना है, बारिश की वजह से हमें घर पे रुकना नहीं है, बल्कि नियमित 5 साल जाना है, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी बारिश ज्यादा बरस सकती है, कभी कम बरस सकती है, तो उसके कारण हमें घर पे रहकर पढ़ाई का नुकसान नहीं करना है, हमें नियमित 5 साल जाना है। और देखो जो लोग काम पे जाते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, वो बिना आराम किए वो अपने काम पे हर रोज जाते हैं, और कभी कभी वो लोग आराम करते, लेकिन कब आराम करना है कि जब तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ हो, जब स्वास्थ्य में कोई तकलीफ हो तभी आराम करना है, बाकी बिना कारण घर पे आराम करके रुकना नहीं है। ये देखो कई बच्चे वैसे आलसी होते हैं, राइट? तो आलसी होने के कारण वो क्या करते हैं, अरे आज मुझे बहुत नींद आ रही है, मम्मी पेट में दर्द होता है, ऐसा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि पेट में दर्द होता है, कि उनके हाथ पे दर्द कर रहे हैं, ऐसा नींद पूरी न होने के कारण उन्हें सोना रहता है, तो वे सब बहाने करते रहते, तो वैसा बहाने करने से क्या होता है, उनकी पढ़ाई में नुकसान होता है, उस बच्चे की पढ़ाई में नुकसान होता है। यानी आराम इतना ही करना है कि जितना हमें जरूरी है, ज्यादा आराम करना भी स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा आराम ही जीवन में रुकावट लाता है। ये देखो यहाँ पे जो चित्र लिखा है, आप देख रहे हो कि ये जो इंसान है वो फेरी करने के लिए निकला है, यानी अपना सामान बेचने के लिए, या तो फिर वो खेत में, कई लोग खेत में, किसान खेत में काम करते हैं, तो क्या होता है, अभी आपको मालूम है जब ये धूप की सीजन यानी गर्मी की मौसम आती है, तो गर्मी के मौसम में धूप ज्यादा बढ़ती है, सुबह 8 बजे से 9 बजे से धूप बढ़ना शुरू हो जाती है, तेज धूप रहती है, तो कई बार क्या होता है, कई बार कई लोग को ऐसे कंटाल आता है, बाप रे तेज धूप है, इस धूप में से बहुत पसीना निकल रहा है, अभी जाने दो ना, बाद में मैं शाम को काम करूंगा, वैसे करके वो लोग क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं,
अपना समय वेस्ट करते और वहां पे पेड़ के नीचे आराम से सो जाते। तो उनका जो वहां पे ज्यादा आराम करने से उनका जो काम है, खेत का काम है, वो सब रुक जाता है। यानी वहां पे क्या होता है, जो समय पे काम होना चाहिए वो समय पे उनका काम नहीं होता है, और वो समय पे उनका काम न होने के कारण वो लोग समय पे उनका काम न होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनका काम में रुकावट आ जाती है और वो काम उनका पीछे पीछे छूट जाता है। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। यानी आप सबको मालूम है कि जो घड़ी है वो घड़ी का आपने आवाज सुना होगा, खास करके जब ये शांत वातावरण रहता है रात के समय पे, आपने कभी सुना होगा घड़ी का आवाज? आपने सुना है यस आवाज? यस टीचर, टीचर हाँ, घड़ी की कैसी हमेशा आवाज? वो टिक टिक हाँ बेटा, तू हमेशा वो टिक टिक करती रहती है, राइट? अरे टिक टिक करती है मतलब कि वो चलती है। आपको मालूम है कि जब घड़ी के अंदर पावर यानी सेल खत्म हो जाते तभी वो रुक जाती है ना, बिना हाँ पावर के नहीं चलती है। तो जब तक उसके अंदर पावर है, उसके अंदर सेल डाले हुए मीन सेल होते, वो सेल जब तक काम करते तब तक घड़ी अपना काम करती रहती है, वो हमें समय बताती रहती है, तभी वो रुकती नहीं है। तो हमें भी हमारे जीवन में रुकना नहीं है, हमें भी घड़ी की तरह निरंतर चलते रहना है, काम करते रहना है, बिना रुकावट के हमें कोई भी काम में रुकना नहीं है। अगर रुकावट आ जाए तो भी उस रुकावट को कैसे दूर करें, और रुकावट को दूर करके हमें आगे बढ़ना है, यही घड़ी का संदेश है। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा ऊपर उठना। घड़ी नुमा यानी घड़ी के अनुसार, हमें घड़ी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना है। जैसे घड़ी हमेशा निरंतर चलती रहती है, हमें हमेशा समय दिखाती रहती है, हम चाहे उसे बोले या ना बोले लेकिन हमें वो समय दिखाती है कि देखो अभी इतने बज गए हैं, आपको इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे आपको खाना खाना है, इतने बजे आपको सोना है, राइट? हम उसे कहते नहीं है फिर भी घड़ी देख के हमें पता चलता है कि अभी हमारा सोने का टाइम है, हमारा खाने का टाइम है, हमारा अभ्यास करना यानी पढ़ने का टाइम है, ये सब हमें घड़ी से पता चलता है। यानी कहने का मतलब है कि घड़ी के अनुसार हमें जैसे घड़ी आगे चलती है वो बिना कारण रुकती नहीं है, वैसे हमें भी रुकना नहीं है। सूरज सा नित ऊपर उठना, सूरज सा नित ऊपर उठना यानी सूरज जैसे हमें ऊपर उठना है, राइट? यानी जो सूरज रुकता नहीं है, आप देखते हो कि सुबह होती है, सुबह 6:30 बजे सूरज दिखता है, 6 बजे से सूर्य प्रकाश होने का शुरू हो जाता है, धीरे 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 सूरज का प्रकाश बढ़ता है, यानी सूरज हमेशा ऊपर उठता है। वो ऐसा नहीं है कि चलो अभी उसको कंटाला आ गया, सूरज नहीं निकला, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, सूरज हमेशा जैसे ही दिन शुरू होता है वैसे ही हमें आसमान में सूरज दिखता है, और सूरज हमेशा ऊपर उठता है, वो कभी भी नीचे नहीं रहता है। यानी कि सूरज जैसे स्थिति पर उदित होता है, ऊपर उठता है, वैसे ही हमें कर्म की शुद्धि के साथ ऊपर उठना है। कर्म यानी अच्छे काम, कर्म यानी अच्छे काम, हमें अच्छे काम जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे अच्छे काम से हमारे दिन की शुरुआत करनी है, हमें अच्छे कर्म करना है। और अपना कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। अपनत्व यानी अपनापन, और कण कण यानी जो मिट्टी के छोटे छोटे भाग, मिट्टी के जो छोटे छोटे भाग होते हैं, और मिट्टी के छोटे छोटे भाग में भी हमें अपनत्व देखना है। यानी मिट्टी जो हमारी है वो धरती माता है, हमारी हमारी देश की आन शान है। तो हमें वो कण कण में यानी मिट्टी मिट्टी के छोटे छोटे भाग में भी अपनत्व देखना है, अपनापन महसूस करना है, उसे महसूस करना है, और सबको तहे दिल से प्रणाम करना है। प्रणाम यानी नमस्कार। नमस्कार। तो हमें सबको तहे दिल से प्रणाम करना है कि हमारे जो मिट्टी है वो मिट्टी की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे जो सैनिक है, वीर जवान है, वो वीर जवानों देश की सरहद पर दिन रात
दिन रात वो वहां पे अपने देश की रक्षा के लिए वहां मौजूद रहते हैं। तो वैसे ही हमें भी हमारा जो देश है, हमारा घर का परिसर का आसपास का जो वातावरण है वो हमें सुंदर स्वच्छ रखना है, और बिना कोई दंगल यानी बिना झगड़े हमें अच्छे से रहना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। देखो जो हमारे देश की मिट्टी है वो मिट्टी से ही हमारे देश में फसल पकती है। हम हमारे किसान भाई बहन है वहां पे खेती करते हैं। हमारे जो हमारे प्राणी पशु पक्षी उस सब में हमें अपनत्व देखना है, यानी अपनापन महसूस करना है। उन्हें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कोई बीमार हो तो उन्हें हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है, और उनका जो जान है वो बचाना है। यानी पशु प्राणी सबके प्रति हमें प्रेम भावना रखनी है। प्रणाम ऊपर यानी नमस्कार। प्रणाम एक यानी नमस्कार। हमें सब क्या करना देखकर है? सहे दिल से, तहे दिल से नमस्कार करना है। हाँ, सबको हमें तहे दिल से प्रणाम करना है, और घड़े की तरह हमें बिना रुके सदा आगे बढ़ना है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। यानी जीवन चलने का नाम है, हमें कभी भी बिना कारण विश्राम नहीं करना है, आराम नहीं करना है, वहीं पे रुकना नहीं है। सूरज की तरह हमें ऊपर उठना है, धरती के हर एक कण कण में अपने पण का अनुभव करना है, और सबको तहे दिल से प्रणाम करना है। टीचर हाँ बेटा, मैं कविता बोलू? हाँ बेटा बोलो, पढ़ो ये लाइन। रहलाना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय हृदय विशाल। विशाल, आसमान हाँ, आसमान सा हृदय मतलब विशाल। आकाश, ओके बेटा, विशाल मतलब बड़ा। बड़ा, वेरी गुड। आसमान यानी आकाश और विशाल यानी बड़ा। लहराना सागर से सीखो, हमें लहराना किसकी तरह सीखना है? सागर की तरह। लहराना सागर से सीखो, और आसमान सा हृदय विशाल। किसका हृदय विशाल है? आसमान आसमान से का। वेरी गुड। आसमान का हृदय विशाल है, यानी कवि कह रहे हैं कि सागर जैसे हमें लहराना है। जैसे सागर रुकता नहीं है, सागर का पानी हमें से हमेशा लहराता रहता है। यानी सागर का पानी कहीं एक जगह पे आपने रुके हुए देखा है? नहीं, नहीं। सागर का जो पानी है वो हमेशा दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे वो लहराता रहता है। वैसे ही हमें जीवन में होश और उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। उत्साह यानी उमंग, आनंद के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमारा हृदय भी आसमान की तरह विशाल होना चाहिए। हमारा हृदय भी बड़ा होना चाहिए। विशाल यानी बड़ा, कि अगर किसी कोई आपके पास आता है, उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको जरूर मदद करो। कई बार क्या होता है, कहीं किसी को प्रॉब्लम होता है किसी व्यक्ति को, और वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, तो तब वो क्या कहते, अरे नहीं बाबा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अगर कभी किसी को पैसे की जरूरत होती है तो भी वो लोग मना कर देते, पैसा होने के बावजूद भी वहां पे मना करते। तो वैसा नहीं करना है। अगर उनको आपको लगे कि वो इंसान सच्चा सच्चा बोल रहा है, वो सच्चा बता रहा है, तो आपको वहां पे जरूरत हो तो उसे पैसा और समय दोनों की मदद करनी है। कई बार किसी के पास पैसा होता है, समय होता है, कई लोगों के पास दोनों होने के बावजूद भी वो दूसरों की मदद नहीं करते, क्योंकि उनका जो हृदय है वो बहुत छोटा है। वो खुद के लिए, खुद के बारे में सिर्फ सोचते, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमारा हृदय भी आसमान की तरह विशाल होना चाहिए, कि जो दूसरों को माफ कर सके, दूसरों को मदद कर सके, और हमें धरती की तरह हमें आगे बढ़ना है। देखो, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। देखो ये पानी जो लहराता है उसपे हमेशा जो सीप है, बोट है, स्टीमर है, वो हमेशा चलती रहती है, राइट। वो कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं आज मत रुको, आज मैं थक गया, ऐसा सागर कभी बताता है? नहीं। नहीं हाँ, वो हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों के कार्य के लिए हमेशा
तत्पर रहता है, यानी उसका हृदय बहुत ही विशाल है। सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करते जाना का, हमें सहनशील, सहनशील यानी सहन करने वाला, सहन करने की शक्ति रखने वाला, कि हमें धरती, हमारी जो धरती माता है, हम धरती को माता मानते हैं, राइट, धरती हमारी माता है, हमारी मातृभूमि है, तो मातृभूमि ही हमारी माता है, तो हमें धरती की तरह, आप लोग देखते हो कि धरती पर कई बार सारे भूकंप आते हैं, आते हैं ना भूकंप, तो भूकंप आने के कारण बड़ी बड़ी इमारतें, जो छोटे छोटे मोटे जो मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, वो पूरा सारा जो बोझ है वो धरती पर आके गिरता है, फिर भी धरती मना करती है कभी भी नहीं? नहीं, धरती कभी भी मना नहीं करती, धरती उन्हें संभालती है, वहां पे उनका बोझा उठाती है। कई बार बारिश आ जाती है, देखो बाढ़ आती है ना बाढ़, हाँ बारिश के मौसम में, खास करके बारिश के मौसम में बाढ़ आती है, जब ज्यादा बारिश होती है तभी बाढ़ आती है, कई गाँव में कई खेतों में पानी घुस जाते हैं, और पानी घुसने के कारण कभी कभी मकान की और इंसान की जान हानि होती है, तो उस समय पे धरती है वो क्या करती है, सहन करती है, सब सहन करती है, धरती पर बाढ़ आती है, बारिश आती है, भूकंप आता है, चाहे कुछ भी आता हो, लेकिन धरती हमेशा सहन करती है, तो हमें धरती की तरह सहनशील बनना है, कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें आ सकती है, जा सकती है, हमें बहुत सारी रुकावटें आ सकती है, तो वहां पे हमें रुकना नहीं है, बल्कि सहनशील बन के उस काम में आगे बढ़ना है, मिलजुल करते जाना काम, यानी मिलजुल करते यानी सबके साथ मिलके हमें काम करना है, ना कि ऐसा नहीं है कि चलो मेरा काम हो गया बस, अभी तुम्हारा काम तुम संभालो, मैं कुछ नहीं जानू, मुझे तो लेट हो रहा है, मैं तो निकलती हूँ, आपका काम है आप जानो, वैसा नहीं करना है। अगर आपके मित्र को, आपके अड़ोसी पड़ोसी को सच्ची में जरूरत है, तभी आपको उनकी मदद करनी है। हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद आपको मदद करूंगा, और फिर बाद में वो जो बोली हुई बात आपको भूलना नहीं है, उसे सही में उसकी मदद करनी है, यानी कोई भी काम मिलजुल करते हैं, मिलजुल करने से वो काम आसान बन जाता है, क्योंकि जो हम मिलजुल काम करते हैं, मिलजुल होकर काम करते हैं, उस तरह सहनशील गिल्डा होके चलेंगे तो सफल होंगे, राइट। जब हमारा हृदय है, हमारा हृदय हम विशाल रखेंगे, बड़ा रखेंगे, दूसरों को काम में मदद करेंगे, तभी ही हम उस काम में सफल होंगे। और ध्यान में रखो, कभी भी दूसरे की मदद करने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि सामने वाले की नजर में, सामने वाले व्यक्ति की नजर में आपका स्थान और भी ऊंचा हो जाता है, कि हाँ इन्होंने मुझे जरूरत के समय मदद की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूं। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पढ़ना, यानी कवि कहते हैं कि जो चलता वह आगे बढ़ता, यानी हमें जो मार्ग पर हम चल रहे वही मार्ग पे हमें आगे बढ़ना है, और नाम शोहरत पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। मेहनत कर पाता पढ़ना, यानी मेहनत करने से ही वो अपना जो पद है, अपनी जो जगह है, वो जगह बनाता है, हाँ, तो वहां पे वो अपनी जगह बनाता है, और मेहनत करने से यानी परिश्रम करने से वहां पे उसे सफलता ही सफलता मिलती है, वो अपना जो पद है वो पद प्राप्त करता है, यश मिलता है उसे, उसमें कामयाबी मिलती है, और उस काम में वो आगे ही आगे जैसे बढ़ता है। देखो घर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, राइट, आप देख रहे हो कि हाँ जो बच्चे क्या कर रही है, पढ़ रही है, वेरी गुड, और दूसरी बच्ची वो लिख रही है यानी अभ्यास कर रही है, राइट, यानी हाँ। जो बच्चे पढ़ते हैं उसे अच्छे मार्क्स, अच्छे गुण प्राप्त होते ही है, उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं ना,
हाँ, यानी अगर आप पढ़ोगे तो जरूर आप परीक्षा में सफल होंगे और आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे गुण प्राप्त होंगे। अगर बोलेंगे अरे परीक्षा का तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो टीचर ने टाइम टेबल भी नहीं दिया, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है, अभी 4 दिन बाकी है, मैं कर लूंगा, आराम से हो जाएगा, तो क्या एक ही दिन में आप पढ़ाई कर पाते हो? नहीं, नहीं, क्योंकि तब हमें फिर क्या होता है, टेंशन हो जाता है, राइट। जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ते, बाद में एक साथ पढ़ने के लिए बैठते हैं, तभी उन्हें टेंशन होता है, अरे बाप रे कल मेरी परीक्षा है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मैं कैसे पास होऊंगा, ऐसे अनेक विचार उसके मन में आने लगते। तो इसीलिए ऐसी नौबत ना आए उसके लिए क्या करना है कि पहले से ही पढ़ते रहना है, पढ़ने मैं के एग्जाम लिए के तैयार। पहले से तैयार रहती हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे हो बेटा। तो वहां पे हमें अच्छे से पहले से ही मालूम है कि आपको ये काम करना है, परीक्षा है, चाहे घर का काम हो, मम्मी ने आपको कोई काम सौंपा हो, तो आपको क्या करना है, वो काम आपको समय के साथ करना है। तो मम्मी को भी ऐसा होगा, अरे वाह मेरी बेटी है, वो 6 नंबर लाती है, घर के काम में मुझे मदद करती है और स्कूल में भी अच्छे गुण से प्राप्त होती है, अच्छे मार्क्स से अच्छा गुण प्राप्त करती है, यानी अच्छे मार्क्स से वो पास होती है। यानी देखो, जो पढ़ते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, राइट, बिना हाँ पढ़ाई का, हाँ बिना पढ़ाई का इंसान को पद पाना मुश्किल है। यानी जो पढ़ते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, पायलट बनते हैं, वकील बनते हैं, अभियंता यानी इंजीनियर बनते हैं, न्यायाधीश भी बन सकते हैं, लेकिन उस सब के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना पढ़ना है। हाँ, पढ़ाई है। करनी है, आपको पढ़ाई में दिल से पढ़ना है, दिलचस्पी लगानी है, और वहां पे आपको पढ़ाई के लिए मेहनत करनी है। जब मेहनत करोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, तो आप अच्छा सा पद प्राप्त कर पाओगे। यानी ईमानदारी से पद और नाम प्राप्त करना चाहिए, सागर की तरह हमें लहराना सीखना चाहिए, मन की तरह हमें हृदय विशाल होना होने वाला होना रखना चाहिए, यानी हृदय भी अपना विशाल रखना चाहिए, हमें भी टीचर, धरती की तरह सहनशील बनकर काम करना चाहिए, और ये चलता। घड़ी घड़ी बनकर हमें हमेशा चलना समय की तरह, राइट, यानी घड़ी की तरह हमें चाहिए। हमेशा हमेशा चलना है, रुकना नहीं है। हाँ, यही है। वेरी गुड बेटा, जो चलता है वही आगे बढ़ता है, राइट। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, यानी जीवन में जो चलता है कभी भी रुकता नहीं है, विश्राम नहीं करता है, आराम नहीं करता है, उसे ही ऊंचा पद और यश प्राप्त, वही व्यक्ति ऊंचा पद और यश प्राप्त कर सकते हैं। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, यानी जो माँ जैसी हो मीठी, मीठी बोली यानी मधुर, मीठी यानी मधुर, कि माँ विचार की जैसी जो वाणी है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, मीठी। राइट, मीठी होनी चाहिए, मधुर होनी हाँ चाहिए, मन में यानी अपने दिल में सच्चे उच्च विचार, उच्च यानी अच्छे विचार, अच्छे ऊंचे विचार रखना है, और बोली यानी भाषा। तो माँ जैसी हमें वाणी में मिठास होनी चाहिए। आपको मालूम है कि आपकी माँ जो है वो माँ आपको कई बार आपकी गलती होने के कारण आपको डांटती है ना, चिल्लाती है, आपको कई हाँ बार आप पे गुस्सा करती है, लेकिन वो सब आपके अच्छे के लिए करती है। आप जानते हो कि माँ ने आप पर गुस्सा किया है, पापा ने गुस्सा किया है, तो उसका कारण है कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपने कहीं मिस्टेक की है, इसीलिए वो लोग आपके अच्छे के लिए, आपके भलाई के लिए डांटे। कई बार स्कूल में भी जब टीचर्स पढ़ा रहे हो तभी बच्चे मस्ती करते हैं, तो टीचर तभी आपको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसका कारण भी सेम है कि अगर आप टीचर जब पढ़ाते हैं तभी आप पढ़ने में ध्यान दोगे तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से उस पाठ को अच्छे से समझ पाओगे, इसीलिए आप गलती ना करो, इसीलिए इसके लिए टीचर्स और माँ हमेशा डांटे रहे, लेकिन बाद में फिर वो आपको प्रेम से समझाते, प्यार से समझाते हैं ना कि बेटा देखो आपने ऐसे मिस्टेक की थी, वो आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसे माँ भी आपको समझाते हैं और टीचर्स भी आपको समझाते हैं ना।
क्योंकि मन में सच्चे उच्च विचार और ये सोचकर जब भी माँ हमें प्यार से समझाती है, माँ हमें मीठी वाणी यानी मीठी मधुर भाषा से हमें समझाती है, तभी हमें समझ में आता है। टीचर हमें समझा रही तभी हमें समझ में आता है कि हाँ वहां पे आप गलत थे, कि वहां पे हम गलत थे, तो वो गलती हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए। माँ जैसी हो मीठी बोली, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्ची उच्च विचार। यानी देखो यहाँ पे माँ मीठी बोली से अपनी मधुर भाषा से बच्चों को समझाती है, डांटती है, चिल्लाती है, बल्कि समझाती है, और वहां पे आपको उच्च विचार देती है यानी अच्छे विचार देती है कि मन में उठने वाले जो विचार है वो हमेशा अच्छे रहने चाहिए। यानी माँ ने डांटा, टीचर ने डांटा, क्यों डांटा मुझे, क्यों डांटा सबके सामने, क्यों मेरा ऐसा किया, मुझे सबके सामने क्यों बोला। अगर आप ऐसा सोचोगे कि सबके सामने मुझे बोला तो मुझे पता चला कि मेरी गलती क्या है, बराबर। आप बाद में भी मम्मी को और टीचर्स को बोल सकते हो कि अगर आप मेरी मिस्टेक हो तो प्लीज आप मुझे अकेले में बुलाकर आप मुझे समझाएगा या अकेले में डांटेगा, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन आप उनके प्रति, उनके मन में आप गुस्सा रखोगे, क्रोध रखोगे, द्वेष भाव रखोगे, तो आप मम्मी और टीचर्स की जो बात है, अच्छी बात है, आप कभी नहीं समझ पाओगे या तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो हमें हमेशा अच्छे और उच्च विचार होने चाहिए, हमारे विचार हमेशा अच्छे और उच्चे होने चाहिए। सबको अपने जैसा ही समझना चाहिए, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो से विचार। यानी हमें सबको अपने जैसा समझना है, सबको अपने जैसा समझकर हमें सेवा का जो सुविचार, सुविचार यानी अच्छा विचार है, वो अच्छा विचार जीवन में अपनाना है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, चित्र में देख रहे हो ना आप, कि ये जो लड़की है वो लड़की एक वृद्ध मनुष्य को वो उठने में मदद कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो रोड पे एक इंसान गिरा हुआ है ना, कई बार चक्कर आने के कारण, कई बार कुछ कमजोरी के कारण, कई बार क्या होता है व्यक्ति को पता नहीं चलता और रास्ते में कहीं पे भी गिर जाता है। तभी दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उन्हें उठा के संभाल के, हाँ मदद करके उन्हें साइड पे बिठा के, हाँ हॉस्पिटल लेके जाता है, उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है, उन्हें पानी पिलाता है, राइट। यानी अनेक तरह उन्हें मदद करता है। यहाँ पे भी देखो सारी औरतें आप देख रहे हो, तो जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति उन्हें समझा रहा है कि जो आज के जमाने में स्त्री भी पुरुष से कम नहीं है, यानी जो काम पुरुष कर सकते वो काम स्त्री भी कर सकती है। यानी अच्छे विचार दे रहे वह उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे है कि सबको हमें अपना जैसा ही समझना चाहिए, अर्थात हमें सुख दुख, आशा निराशा, जीव आशा निराशा, मान अपमान, ये सब हमारे जीवन में हमें इस सब चीजें सफल बनाने में मदद करती है। और अपने जैसा सबका जानो, सेवा का कर लो सो विचार। कई बार क्या होता है, रास्ता क्रॉस करना होता है, वृद्ध इंसान जो होते हैं वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पाते, उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं रास्ता क्रॉस करने जाऊं और सामने से गाड़ी आ गई, ये आ गया, तो मैं क्या करूंगा, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, वैसे मन में डर रहता है। तभी आपको क्या करना है कि आपको उन्हें हाथ पकड़ के, हाँ उनकी मदद करनी है, रास्ता क्रॉस करना है, या तो उनको जहाँ पे जाना हो वहां पे पहुंचाना है, राइट। अगर आप देख सकते हो कि आप बस में यात्रा कर रहे हो, तो बस में यात्रा करते समय कई बार क्या होते हैं, वृद्ध जो लोग होते हैं वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते, तो वहां पे आपको उठ के उनको बैठने के लिए सीट देनी है, जगह देनी है, क्योंकि आप यंग हो, यंग जो है वो खड़े रह सकते हैं, उनमें स्टेमिना रहता है, राइट, इम्यूनिटी ज्यादा रहती है, और जो वृद्ध होते हैं उनमें इम्यूनिटी कम होती है, वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, तो तभी हमें उन्हें बैठने के लिए हम जगह देनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो कवि पंडित जी ने कहा है कि आराम हराम है, हमारी बोली माँ की तरह मीठी होनी चाहिए, राइट, बोली में माँ की तरह मिठास होनी चाहिए, यानी बोली में मिठास भरनी चाहिए। हम सबको अपने जैसा, यानी अपने जैसा ही
सबको समझना चाहिए और अपने विचारों को सुंदर बनाना चाहिए। हमारे मन में जो सच्चाई से भरे उच्च विचार है, वो उच्च विचार हमें सेवा में लगाने चाहिए, यानी हमें सेवा करते हुए अपने मन में सुंदर विचार बनाने चाहिए। दूसरों की सेवा करना जरूरी है, यानी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। आराम कभी नहीं करना चाहिए, जब भी आपको जरूरत नहीं हो तभी आराम करना नहीं चाहिए। आराम करने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आराम मत करो, वैसा नहीं है। आप आराम कर सकते हो, आपको अगर लगता है कि आपका शरीर थक गया है, शरीर भी हमारे, हम शरीर के पास काम लेते हैं तो हमारा शरीर भी थक जाता है, तो उसे आराम की जरूरत रहती है। तो आपको जब लगे तभी आप उसको थोड़ा आराम दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी मैं कर पाता हूँ, अभी मैं फ्रेश हो गया, तभी आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं, अरे आज है ना, जाने दो ना, अभी तो टाइम है, कल करूंगा। टीचर अभी बुक चेक करने में टाइम है टीचर को, टीचर ने बोला है कि टीचर मंडे को बुक चेक करने वाले, नोटबुक मंडे को चेक करेंगे। हाँ तो मेरा मंडे तक हो जाएगा। हाँ मैं अभी थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, थोड़ा डोरीमन देख लेता हूँ, थोड़ा पिक्चर देख लेता हूँ। ऐसे करके बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि जैसे घड़ी कोई भी बिना उम्मीद के वो चलती रहती है, वैसे हमें जीवन में भी चलते रहना है। और जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे हमें विश्राम नहीं करना है, बल्कि काम को प्रायोरिटी देनी है, पहले काम को महत्व देना है और काम करने के बाद आराम करना है। देखो अभी हम यहाँ कविता में आए हुए शब्दार्थ देखेंगे। विश्राम यानी आराम, आराम सदा, हाँ सदा यानी हमेशा, वेरी गुड। घड़ी नुमा यानी घड़ी के अनुसार, वेरी गुड बेटा। नींद हमेशा, हमेशा, वेरी गुड। कौन, मिट्टी का एक कदम छोटा भाग, वेरी गुड बेटा। अपनत्व, अपनापन, वेरी गुड बेटा। प्रणाम, नमन। हृदय, दिल, वेरी गुड। विशाल, विशाल यानी बड़ा, वेरी गुड। सहनशील, स्वभाव वाला, वेरी गुड। कई लोग में सहन करने का स्वभाव रहता है ना, कई लोग कुछ भी बोले ना तो उनके सामने आंसर नहीं देते, उनके सामने उत्तर नहीं देते, चुपचाप सहन करते और फिर बाद में वो अपनी गलती सुधारते। और कई लोग क्या करते हैं, सामने अरे तो क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या हो गया, ऐसा सामने उन्हें उत्तर देके वो अपना, उनमें सहन करने की शक्ति नहीं रहती है, तो वहां पे वो ऐसा बैड बिहेवियर करते हैं। पद यानी ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान, हाँ। और उच्च यानी ऊंचा, ऊंचा, वेरी गुड। नाम यानी यश, यश। सेवा, भलाई। सुविचार, उच्च विचार, अच्छे विचार। ओके, देखो यहाँ पे इस कविता में आए गए विरोधी शब्द दिए हैं, तो हम अभी विरोधी शब्द के बारे में जानेंगे। जीवन, मृत्यु, ऊपर, पीछे, आगे, पीछे, मीठा, कड़वा, बढ़ना, घटना, घटना, वेरी गुड। अभी यहाँ पे हम इस कविता में जो भावार्थ सीखे, यानी कविता सीखे, इसके बारे में यहाँ पे मैं अभी आपके आपके यहाँ पे मूल्यमापन लेने वाली हूँ। यानी जो यहाँ पे दिए गए प्रयोग में से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है, यानी मुझे आप सही उत्तर चुनकर आप बताओगे। घड़ी की तरह हमें डैश डैश, देखो नीचे तीन पर्याय दिए गए, अ ब क, और अ ब क, इन तीन पर्याय में से सही पर्याय आपको ढूंढना है। घड़ी की तरह हमें टिक टिक करना चाहिए, समय बताना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वेरी गुड। घड़ी की तरह हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, हाँ वेरी गुड। हमें कभी डैश डैश सहयोग नहीं करना है, विश्राम नहीं करना है कि अभ्यास नहीं करना है, विश्राम नहीं करना है, वेरी गुड बेटा। हमें कभी विश्राम नहीं करना है, वेरी गुड। अभी दूसरे दिन
हमें सूरज के समान सदा डैश डैश ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, मुस्कुराना है कि जगमगाना है, ऊपर उठना है। वेरी गुड, हमें सूरज की तरह ऊपर उठना है। हाँ ओ तो आएगा राइट। हाँ हमें धरती की, हमें धरती की तरह डैश डैश विशाल बनना है, गोल गोल घूमना है कि सहनशील बनना है, सहनशील बनना है यानी क पर्याय सही है राइट। तो क के सामने मैंने राइट किया है लेकिन आपको क्या करना है वहाँ पे आंसर लिखना है। हाँ बनना है, आंसर लिखना है। वेरी गुड बेटा, हमें धरती की तरह सहनशील बनना है, हमें सूरज के समान सदा ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, आंसर आपको लिखना है। हाँ देखो यहाँ पे स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी ग्रुप पार्ट राइट। तो हाँ, यहाँ पे जो स्वाध्याय दिए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो भी सही आंसर है उस सही आंसर आपको इस जो डैश डैश है वहां पे रिक्त स्थान में लिखना है। हाँ तो हाँ, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। यस टीचर, मैंने लिया लिया। वेरी गुड। हाँ मैंने भी लिया। वेरी गुड बेटा। जीवन में, जीवन है देश का नाम, चलने का नाम, वेरी गुड। लहराना देश से सीखो, सागर, सागर जो से चलता वो वेरी गुड, जो चलता वो आगे बढ़ता, घड़ी सदा टिक टिक करती, और देश से कर लो सुविचार, से कर लो सुविचार। हाँ सेवा, सेवा का कर लो सुविचार। वेरी गुड। अच्छा आपको स्क्रीनशॉट निकालना है ना बेटा, ये स्क्रीनशॉट सबने निकाल लिया। हाँ। तो इस स्वाध्याय आपको घर घर पे लिखना है, आप हिंदी की नोटबुक में लिखोगे। हाँ धन्यवाद एवरीवन। धन्यवाद टीचर। ओके ओके बेटा।